नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अमेरिका में जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे पूरा अमेरिका जहां दुनिया भर में शर्मसार है, तो वहीं खुद पीएम मोदी ने भी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को इशारों ही इशारों में नसीहत देते हुए कह दिया कि सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसके लिए वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस बवाल की एक ऐसी वीडियो क्लिप शेयर की है जिसमें ट्रंप समर्थकों के उपद्रव के बीच भारतीय तिरंगा भी नजर आ रहा है। ये नजारा देखकर खुद वरुण गांधी भी हैरान हो गए हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अमेरिका में हुई हिंसा से जुड़ी एक से बढ़कर एक शर्मनाक वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक वीडियो पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने शेयर किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों के बीच भारतीय तिरंगा लहराया जा रहा है। तिरंगे वाले इस वीडियो को शेयर करते हुए सांसद वरुण गांधी ने पूछा है, वहां भारतीय झंडा क्यों है? ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमें निश्चित रूप से हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। वरुण गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शशि थरूर ने लिखा, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जिनकी सोच ट्रंप के समर्थन में नारे लगाने वाली भीड़ के जैसी है। ये वही लोग हैं जो देश के झंडे का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते हैं, ना कि गर्व का एहसास करने के लिए, और उन सभी को बदनाम करते हैं जो उनके साथ राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही के रूप में असहमत है। वहां पर मौजूद ये झंडा हम सबके लिए एक चेतावनी है। ये वीडियो ट्वीट कर वरुण गांधी खुद ही ट्रोल हो गए। कुमार विक्रांत नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, फिर आपके नेताजी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा क्यों लगाया था? राजू नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, इंडियन फ्लैग, होप दे आर नॉट द सेम पीपल हु चैंटेड अब की बार ट्रंप की सरकार। रमेश पटवाल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, वरुण गांधी जी यही बात हम भी सोचते हैं कि आज अमेरिका में जो भी हो रहा है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब देश के पीएम मोदी अमेरिका में जाकर किसी नेता के लिए प्रचार करेंगे तो देश के झंडे तो दिखाई ही देंगे, जो अपनी विदेश नीति के लिए घातक हो सकता है। आपको बता दें, वरुण गांधी की शेयर की गई वीडियो के बहाने लोग पीएम मोदी को इसलिए ट्रोल करने लगे हैं क्योंकि सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हुए हाउडी मोदी इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। ही हैज ऑलरेडी मेड द अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग अगेन। ही हैज अचीव्ड मच for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, ab ki baar Trump sarkar. Rang loud and clear, and his celebration of Diwali in the house, White House, lit up millions of faces with joy and appreciation. When I met him for the first time, he said to me, India has a true friend in White House. बहरहाल सोशल मीडिया पर भले ही अमेरिका में बवाल के दौरान दिखे तिरंगे को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा हो, आपको बता दें जिस तरह से ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा और उपद्रव किया, पीएम मोदी ने खुद उसकी निंदा करते हुए कहा, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में समाचार देखने के बाद परेशान हूं।
सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है। बता दें, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल में गुरुवार को नव निर्वाचित राष्ट्रपति की चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। इसी बीच ट्रंप के समर्थक कैपिटल में चल रही बहस के बीच सीनेट चैंबर में पहुंच गए थे। पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इन हालातों के बीच प्रतिनिधि सभा और सीनेट और पूरे कैपिटल को बंद कर दिया गया और उपराष्ट्रपति माइक पेंस समेत बाकी सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है।